आप सभी का इस ट्रेनिंग में वेलकम करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और लगभग 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है लगभग 12 से ज़्यादा ईयर का है। और जो आज ट्रेनिंग है वो डुप्लीकेशन पे ट्रेनिंग है, जैसा कि गौरव जी ने बताया था। और उस ट्रेनिंग को मैं अपने 12 साल के अनुभव के मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि लगभग 12 साल पहले जब मैंने इस डुप्लीकेशन की पावर को समझा, अंडरस्टैंड किया, तो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। और मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग इस पॉइंट को, जो बिजनेस इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है डुप्लीकेशन, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस पावर को वाकई समझ गए तो आपको इस बिजनेस में मिलियनेयर बनने से मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मेरा अनुभव बोल रहा है। और साथ में मैं FLP इंडिया का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस स्टेज पे आकर के ट्रेनिंग्स को और अपने अनुभव को शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच। और पूरे FLP इंडिया का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, सीनियर्स का थैंक यू करना चाहूँगा। और मैं अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करूँगा। और साथ में मैं कुछ बातें आपसे स्क्रीन को शेयर करने से पहले बातें करूँगा कि ध्यान दीजिएगा कि मैं जितनी बातें आपसे करूँगा ये की पॉइंट है, ये चावी है इस बिजनेस की, इसको याद रखना। ऐसा क्यों होता है कि इस बिजनेस में 10,000 रुपये कमाने वाला 1,00,000 पर पहुंच जाता है, 20,000 कमाने वाला 2,00,000 पर पहुंच जाता है, 50,000 कमाने वाला 5,00,000 पर पहुंच जाता है? कुछ तो कारण है। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई, और आनी भी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर कहीं पर हैं, अगर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि उसे ग्रैब करना चाहिए। जब मैं एज ऑफ 18 में आया था, मैं फॉरएवर, मुझे याद है आज भी, मैंने अपने से कमिटमेंट किया था कि मुझे एक अच्छा काम मिल चुका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, एक अच्छा बिजनेस मिल चुका है, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल चुका है, मैं वापिस नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर सब कुछ बेहतर हो तो फिर एक शर्त बचती है कि हमें खुद बेहतर बनने की जरूरत होती है। मैं आप सभी का, स्पेशली मुझे लगता है यूथ, यंग जनरेशन काफी होगी यहाँ पर, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और साथ में एक बात जरूर बोलूंगा, अब आपका समय आ रहा है, टाइम सबका है, आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना है। चाहे आप 18 के हैं, 20 के हैं, 22 के हैं, 22-30 है, 30+ है, हालांकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। क्योंकि मुझे एक अद्भुत चीज लगती है फॉरएवर में, कई एक बार यहाँ पर मुझे जो देखने को मिलता है, यहाँ 20 साल के लोग भी मिलेनियर हैं और यहाँ लगभग 60 साल से ऊपर के लोग भी मिलेनियर हैं। तो मैं आऊंगा अपने सब्जेक्ट पे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं द एलोवेरा कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूं तो 150 से भी ज्यादा देशों में खुद को प्रूव किया है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलो बनाने में और बेस्ट न्यूट्रिशन बनाने में। और साथ में उन लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए जिन्होंने लाइफ में कभी सपने देखे थे, ड्रीम देखे थे कि हम भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मुझे एक सरप्राइज चीज इस बिजनेस की और लगती है, वो क्या है जिसने मुझे काफी अट्रैक्ट किया, कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से हार जाते हैं या थक जाते हैं, थोड़ा सा ये फील करते हैं कि भाई डिप्लोमा भी किया, ये भी किया, ये भी किया, अब क्या करें। मैं कहता हूं उनके लिए ये आशा की किरण नहीं है, ये उनके लिए एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है, याद रखना। क्योंकि मैंने 12 साल में फील किया है, महसूस किया है, देखा है, प्रैक्टिकली काम किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, और एक एक पर्सन से मिला हूं
और मेरे साथ सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा, मैं प्रोफेशनली इस बिजनेस में एंटर किया, मैंने मैंने बुक्स का काफी अध्ययन किया। कल बहुत बेहतरीन मीटिंग आपने अटेंड करी, और जितनी भी एफएलपी इंडिया की ट्रेनिंग्स हो रही है मैं सबको थैंक्स करना चाहूंगा, कितनी लाजवाब ट्रेनिंग आपके लिए लगा रखी है, कोई ट्रेनिंग्स की कमी नहीं है, अब केवल खुद को साबित करना है। और साथ में जो ट्रेनिंग कल हुई थी मैं उसी को मिलाते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट की जो डिस्कशन हुई थी, कई पॉइंट्स मुझे मालूम है, कल का सब्जेक्ट भी वही था, आज का सब्जेक्ट भी यही था, कुछ लोग बोल रहे होंगे और कल भी वही है, कल के लिए भी रेडी रहिएगा, लेकिन अपना अपना अनुभव होता है जो शिखर पे पहुंचाता है। लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगा डुप्लीकेशन से। वेरी गुड, डुप्लीकेशन। सबसे पहले डुप्लीकेशन है क्या, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, डुप्लीकेशन किसी भी बिजनेस की बैकबोन है, और या यूं बोलो कि ये चाबी है डुप्लीकेशन। कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस पर्सन, अगर आपको उसकी पावर देखनी हो तो आप उसकी डुप्लीकेशन से देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, कोई भी प्रोसेस, कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस करता है, वो करोड़ों रुपए अगर कमाता है तो केवल केवल डुप्लीकेशन की वजह से कमाता है। अगर कोई भी बिजनेस पर्सन करोड़ों रुपए अपने शोरूम पे खर्च कर दे लेकिन डुप्लीकेशन ना करे तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। अब जानेंगे कि व्हाट इज डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन है क्या। अगर मैं एक थ्योरी के रूप में बोलूं, किसी भी ट्रेनिंग टेक्निक सिस्टम का बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाना, कॉपी करना, फॉलो करना ही डुप्लीकेशन है। किसी भी ट्रेनिंग टेक्निक सिस्टम का बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाना, कॉपी करना और फॉलो करना ही डुप्लीकेशन है। जैसे एग्जाम्पल, अद्भुत एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, आज से आप याद करिए, 4 महीने पहले हम 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग जूम मीटिंग क्या करते थे, वेबिनार क्या करते थे, बुलाते थे, हाँ जी आ जाओ, 4 लोग इकट्ठे हुए, 10 लोग इकट्ठे हुए। आज देखिए पूरा भारत हजारों लोग एक मंच पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अभी मैं इस ट्रेनिंग को प्रेजेंट कर रहा हूं, अपने अनुभव को प्रेजेंट कर रहा हूं, अभी कितने लोग सुन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, पावर है डुप्लीकेशन की। और जब डुप्लीकेशन बढ़ता है, जब डुप्लीकेशन हमारे समझ में आता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्रमोशन स्वतः होता है, जिसको बोलते हैं पदोन्नति खुद होती है। साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो है, पहला ट्रेनिंग, दूसरा मैंने बात करी थी टेक्निक की, और तीसरी बात करी थी मैंने सिस्टम की, जिनको हमें डुप्लीकेट करना है। और यही डुप्लीकेशन के मेन 3 पार्ट है, ट्रेनिंग टेक्निक और सिस्टम। आज अगर आप इस इन 3 पॉइंट को अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने को 2021 में देखिएगा, अपने लेवल का प्रमोशन देखिएगा, क्योंकि तरक्की पाने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते, चंद फॉर्मूले आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। हमने जाना डुप्लीकेशन क्या है, अब मैं बात करूंगा पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है। आपने यहां पर 4 लोगों देख रहे हैं, मैगडी, पीवीआर, मर्सिडीज और फेसबुक। पहली बात करूंगा मैं मैगडी की। मैकडी ने यूनाइटेड स्टेट से अपना काम शुरू किया था, आज पूरे वर्ल्ड में मैकडी है। अब उनकी खासियत क्या है, उनकी टेक्निक देखिए, उनका प्रोसेस देखिए, उनका सिस्टम देखिए, उनकी ट्रेनिंग देखिए, सब क्या है, सारी इक्वल है। आप उनकी ड्रेस देखिए, सबकी इक्वल है। लेकिन होता क्या है, आज अगर कोई पर्सन हिंदुस्तान में बर्गर खाता है
मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो रॉयल्टी कहाँ तक जाती है? वहां तक जाती है यूनाइटेड स्टेट तक। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पीवीआर सिनेमा, जब कोई एक मूवी आती है, कोई फिल्म आती है, तो देखना, आपने अक्सर सुना होगा कि भैया 2 दिन में या 1 हफ्ते में 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है, 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है, क्या एक थिएटर से? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जब हजारों थिएटर में वही मूवी सेम टाइम पे लगती है तो वो करोड़ों का टर्नओवर करती है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है? जर्मन की कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में क्या है? आउटलेट है, सिस्टम है, क्या किया है? डुप्लीकेट किया है। फेसबुक कितना अद्भुत एग्जांपल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 10-12 साल पहले मैंने फेसबुक को अपलोड किया था, तो स्टार्टिंग में मैं अपने दोस्त से पूछता था कि हाँ जी प्रोफाइल कैसे बनती है, नाम कैसे लिखा जाता है, मेल आईडी कहाँ पर डालनी है, मोबाइल नंबर कहाँ डालते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। आज की तारीख में क्या है? अब क्या हुआ कुछ दिन के बाद, मुझे याद है आज भी, कि 1-2 महीने के बाद हम सारे फ्रेंड्स मिल करके हम सारे फेसबुक पर थे। रीजन क्या? डुप्लीकेशन। मैंने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया और मैंने अपने फ्रेंड को बताया, और पता चला 1 महीने के बाद हम सब लोगों को फेसबुक चलाना आ गया, क्योंकि हमने किसकी पावर को जाना? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और अगर मैं मार्क जकरबर्ग का नाम लूं, मेरे ख्याल से भारत में, श्योर नहीं हूं, 2-3 बार आए हैं, लेकिन पूरे फेसबुक का सबसे बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान से जाता है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब होता क्या है, जब आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो वहां पर करोड़ और करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। या तो आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फ्रेंचाइज के लिए, या आपको एक सिस्टम जनरेट करना पड़ता है, जड़ से जनरेट करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा आपको, अगर आपने वाकई में, आपके पास करोड़ों रुपये नहीं है, अगर आपके पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम नहीं है, आप करोड़ और करोड़ खर्च नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फॉर एवर बिजनेस ओनर। वो क्या करेगा? अब अगर आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझ में आ गई है और इसका फायदा भी अगर आपको पता लग चुका है, और मैंने एग्जांपल भी आपको दिए करोड़ और करोड़ जो खर्च करने पड़ते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे सिस्टम की जहां पर आप मिलीनियर बन सकते हो, लेकिन बिना करोड़ों लगाए हुए, बिना एक सिस्टम जनरेट किए हुए। कौन सा सिस्टम? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। वो है फॉरएवर बिजनेस ओनर। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप एक फ्रेंचाइज, जिससे मैं मिनी फ्रेंचाइज के नाम से बोलता हूं, और बहुत आसान है अगर आप इसको, इस फ्रेंचाइज को, इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को देते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा, यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा, रॉल्फ किम मैटसन, आपने अभी अभी ट्रेनिंग में सुना था, तो पीछे इंडिया भी आए थे, उन्होंने क्या बोला कि मेरा बिजनेस आज न जाने कितने देशों में। रॉल्फ किम बोलते हैं मेरा बिजनेस 50 से ज्यादा देशों में है। कितना बड़ा सरप्राइज है, करोड़ों नहीं लगाए, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करी, लेकिन तब भी उनकी, उनका बिजनेस, उनकी फ्रेंचाइज कहाँ चल रही है? बहुत सारे देशों में चल रही है। आज वक्त है आपका, आप भी इस बिजनेस के माध्यम से, इस मिनी फ्रेंचाइज के माध्यम से, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अफोर्डेबल है, जिसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान ने शोरूम खोलना हो, एक बिजनेस ओपन करना हो, तो कितना रुपया लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट में एग्जांपल दूं, करोड़ों लगाने से मुझे लगता है हजारों की गारंटी नहीं है आजकल, लेकिन यहाँ आपने हजारों का थोड़ा सा एफर्ट कर दिया प्रोडक्ट्स यूज करने के माध्यम से, वादा करता हूँ आप लाखों कमा सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये प्रूव किया है और बहुत हजारों लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। अब बढ़ते हैं आगे, हाउ टू डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करें कैसे?
आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई, वर्ल्ड की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, जहां पर आप एक बेहतरीन सिस्टम के माध्यम से आप भी अपने सिस्टम को डुप्लीकेट कर सकते हैं, भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो उसके लिए सबसे पहले डुप्लीकेट क्या करना है, ट्रेनिंग, सिस्टम, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट और एक जबरदस्त फॉर्मूला आने वाला है, ध्यान देना, 5 into 3, जिसे मैं बोलता हूँ 5 into 3 is equal to you are free। लेकिन फ्री का मतलब पूरा फ्री मत हो जाना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। और ऐसा फॉर्मूला है, अगर हिंदुस्तान में जो यंग जनरेशन आप लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग आप काम कर रहे हैं, वाकई में आप आगे निकलना चाहते हैं, आप जो भी इस फॉर्मूले को अगर आपने एक बार अपने दिल में बिठा लिया ना, आप इतना डुप्लीकेशन करोगे, इतना मल्टीप्लाई करोगे बिजनेस, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी ने हिंदुस्तान में जब FLB की शुरुआत करी थी, फॉरएवर की शुरुआत करी थी, तो क्या किया उन्होंने, क्या उन्होंने, मुझे लगता है आज पूरा भारत उनकी टीम में है, मैक्सिमम 90% भारत उनकी टीम में है, हजारों मैनेजर सुनील गुप्ता जी की टीम में है। क्या उन्होंने, सुनील गुप्ता जी ने क्या एक एक इंसान को, एक एक मैनेजर को बिठा करके ट्रेनिंग दी? नहीं दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर के लोगों को ट्रेनिंग दी और एक शब्द बोला कि देखना आप इसको डुप्लीकेट जरूर करना। आप अगर इस भारत में कहीं भी मैनेजर हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप सुनील गुप्ता जी की टीम में होंगे, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है आप सुनील गुप्ता जी से मिले भी नहीं होंगे, लेकिन आप उनके ग्रुप में मैनेजर हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब इस पे करना क्या है आपको, मैं मानता हूं कि आप फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, आपने 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है, 5 लाइनें ओपन करनी है, सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, और 3 जनरेशन तक काम करना है, जिसको बोलते हैं 5 into 3। 5 लाइनों पर काम करना है, 3 जनरेशन तक काम करना है। और ध्यान रहे, आप जिसको भी ट्रेंड करते हैं, जिसको भी लाते हैं, जो वो 5 लोग हैं, जो 3 जनरेशन तक लोग हैं, उनको आपने एक चीज बताना है कि ध्यान रहे कि ये आपको डुप्लीकेट करना है। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको डुप्लीकेट करना है, क्या 5 into 3, मतलब 5 लाइन है, 3 जनरेशन। मैं वादा करता हूं आप 6 महीने बाद देखना, 8 महीने बाद देखना, 10 महीने बाद देखना, 1 साल बाद देखना, बिजनेस आपका कितने स्टेटू में चले जाएगा, कितना बिजनेस बढ़ जाएगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में सबसे पहले आता है बेसिक्स। अगर आपको इस बिजनेस में वाकई तरक्की करनी है, मैं इससे पहले एक बात और करूंगा, एडवोकेट बनना है, CA बनना है, साइंटिस्ट बनना है, IITian बनना है, अगर आपको दुनिया का कोई भी बड़े लेवल का कुछ भी हासिल करना है ना, आपको बेसिक्स सीखने पड़ते हैं। ट्रेनिंग, एजुकेशन, जो एजुकेशन है ना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। क्यों फॉरएवर में कुछ लोग चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तरक्की करते हैं, ये इसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, बेसिक्स। बेसिक्स में क्या आता है, कंपनी प्रोफाइल, आप किस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, कम से कम हमें इस प्रोफाइल की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और मैं कंपनी प्रोफाइल आपको नहीं बताऊंगा, क्यों, रोज आप देख रहे हैं BOPP की, FBO की और मार्केटिंग प्लान की, प्रोडक्ट्स की बेहतरीन ट्रेनिंग्स लगते जा रही है, आप वहां से नोट्स निकालिए। और बेहतर लीडर कौन होता है, बेहतर लीडर याद रखना चोरी करता है, सच बता रहा हूं आपको। वो क्या करता है, वो 10 लीडर्स को सुनता है और 10 लीडर से 2-2 पॉइंट निकालता है और अपने 20 पॉइंट बना करके एक बेहतरीन ट्रेनिंग पेश करता है, और वो ट्रेनिंग ही उसको कहां तक ले जाती है, उसके टारगेट तक ले जाती है। कंपनी प्रोफाइल। दूसरा, प्रोडक्ट्स नॉलेज, इतनी बेहतर प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो रही है, उसके क्या बनाइए, पंचिंग पॉइंट्स बनाइए। थर्ड, बिजनेस प्लान, जो हमारा बिजनेस प्लान है वो एक ऐसा प्लान है, मैंने जैसा कि पहले ही बात करी थी, इस बिजनेस प्लान में लोग कहां से कहां तक पहुंच गए, लेकिन
माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, बिजनेस प्लान को मत जानना, प्रोडक्ट्स को मत जानना, इसकी गहराई जानना। कंपनी को मत जानो, कंपनी की गहराई जानो। तरक्की करनी है ना, आपने बहुत बार देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए सालों साल लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? उनको पता होता है अगर मैं एक बार निकल गया ना, मेरी जिंदगी बन जाएगी। मैंने अपनी लाइफ में जब मुझे फॉरएवर मिली, मैंने 100% नहीं दिया, मैंने 200% दिया। ये लाइफ कॉम्पिटिशन की है, याद रख लेना। अगर आज की तारीख में किसी के अंदर कोई टैलेंट है भी ना, बहुत बड़ा कंपटीशन है मार्केट में। लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत व्यापार है कि यहाँ कंपटीशन में आदमी जीतता जरूर है, हर कोई जीतता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ नहीं है, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने की होड़ है। बिजनेस प्लान की बात करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस। आपको पता होना चाहिए आप किस इंडस्ट्री से जुड़ने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री का टर्नओवर कहां तक जाने वाला है, जिसको मैं अपने वर्ड में बोला हूँ नो लिमिट। जहां तक ये इंडस्ट्री जाने वाली है, वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इससे बड़ी इंडस्ट्री अब कोई बन नहीं सकती। क्योंकि रुपया और स्वास्थ्य हर किसी की जरूरत है, इसीलिए ये इंडस्ट्री रुक नहीं सकती। क्यों आज सभी लोग, जितनी कंपनियां है, वेलनेस नेटवर्किंग पागल हुए पड़े हैं? क्यों पागल हुए पड़े? बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके पीछे क्या है, जो मार्केट है वो किस चीज की मार्केट है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरएवर ऑनलाइन सिस्टम। मैंने बात करी बेसिक्स की, ज्वाइन कैसे कराना है, एलो स्टोर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत कारगर चीजें हैं, ये हमें आनी चाहिए। और इन सभी को जानने के लिए, इन चीजों को आपको जानने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। याद रख लेना, पढ़े लिखे से फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक एक चीज को सीखेंगे। और मैं पहले बता चुका हूं, ये चीजें जो हैं, कितने लोगों को सिखाना है, 5 लोगों को। कई बार क्या होता है, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, कभी कभी हमें 2-3-4 अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो बोलते हैं सर बताइए हम करें क्या। हम उनको बेसिक्स सिखा नहीं पाते, और अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्लीज याद रख लेना, रॉयल्टी जनरेट करने के लिए लोगों को ना सालों साल काम करना पड़ता है। आप जिन लोगों से चाहते हैं कि आपको रॉयल्टी आए, क्या उन पर हमें काम नहीं करना पड़ेगा? क्या उनको अपडेट नहीं करना पड़ेगा? क्या उनको डुप्लीकेशन की पावर नहीं समझानी पड़ेगी? क्या उनको इंडस्ट्री की पावर नहीं समझानी पड़ेगी? ये बेसिक्स हैं, इन पर हमें ध्यान रखना है। और साथ में एक वर्ड और बोलूंगा, अगर आधार स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, तो बिल्डिंग टिके रहेगी। याद रखना, बिल्डिंग को कोई हिला नहीं सकता। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें ट्रेनिंग पर फोकस करना है। क्यों लोग भटकते हैं? भटकते इसलिए हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता। कभी कभी क्या करते हैं लोग, कुछ देख लिया, देखते देखते ज्वाइन कर लिया। ठीक है, देखते देखते ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पता क्या है? पता ही नहीं है। कई एक बार लोगों के पास 2 सीसी का प्रोडक्ट आ गया, और उसको मतलब उस प्रोडक्ट के आने के बाद उनको पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है। वरना इतना वंडरफुल प्रोडक्ट, आज की तारीख में कितनी जरूरत है इस प्रोडक्ट की, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट, सिस्टम। याद रख लेना, जो सिस्टम होता है वो 2 तरह का होता है, एक एथिकल होता है, एक आप जानते हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से परिचित हो। अगर आपको एथिकली काम करोगे तो एथिकल सिस्टम क्या है? मैं मार्केटिंग प्लान आपको लगभग सब लोगों को पता है, 60p 60p × 2cc = 120cc। दूसरा 2p × 60cc = 120cc। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर 60 लोग 2-2 cc करते हैं, अगर आपके अंदर एक मैं केवल एथिकल सिस्टम की पावर बता रहा हूं, अगर इस बिजनेस में आपने 60 लोगों को एसोसिएट कर दिया और वो 2-2 cc करते हैं, तो आप 120 cc करके मैनेजर बनते हैं। दूसरा वो क्या होता है, राइट। अगर 2 लोग मिलकर के 60 cc कर गए, तो भी आप 120 cc करके मैनेजर तो बन गए, लेकिन आपके नाम के आगे रेड मार्क आ गए हैं, याद रखना।
आपने एक कहावत सुनी होगी ना, जब इंसान अच्छा करता है तो उसके नाम के आगे ग्रीन सिग्नल होता है, जब इंसान गलत करता है तो उसके नाम के आगे रेड सिग्नल होता है, बाकी बाद में पता लग जाता है। रीजन क्या है? आपको एथिकल बिजनेस करना है। अगर आप एथिकल बिजनेस करेंगे, रूल्स ब्रेक मत करो। अगर आप हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो कृपया ड्रेस चेंज कराने की कोशिश ना करें, वहां की प्रेयर चेंज कराने की कोशिश ना करें। हमें क्या करना है, हमें उस सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा, सलाह कोई भी दे सकता है, राइट? हमें क्या करना है, एथिकल बिजनेस। दूसरा, लॉन्ग टर्म। हम कितने दिन के लिए फॉरएवर में आए हैं? मुझे 12 साल हो गए हैं। 12 साल में अभी भी कई लोगों को मैं देखता हूं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होते हैं। शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगनी चाहिए, लगे न लगे, नहीं लगनी चाहिए आपको। अगर एक जगह टिके रहेंगे, किसी भी संस्था में अगर आप एक जगह टिके रहेंगे तो कुछ तो मिलेगा, अगर भटकते रहेंगे तो क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए करना क्या पड़ता है, एजुकेशन। दूसरा, डिसिप्लिन, जिसकी मैंने बात करी है, एजुकेशन के मुताबिक, एजुकेशन को लेकर के हमें काम करना है, बेहतरीन सिस्टम के हिसाब से काम करना है, कंपनी के जो रूल्स है, जो कंपनी पॉलिसी बोलती है उसके मुताबिक हमें काम करना है। हमें अपना रूल, अपना सिस्टम डिजाइन नहीं करना है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है, तो अब आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मुझे लगता है पहिया गोल है तो गोल ही रहने दें, उसको चौखट करके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। नेक्स्ट, इजी टू डुप्लीकेट। हम जो काम कर रहे हैं वो इजी टू डुप्लीकेट हो, पता चले। एग्जाम्पल, टूल्स। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है टूल्स, दूसरा आ रहा है प्रोसेस। टूल्स क्या है? मोबाइल एक टूल्स है। इस बिजनेस में तरक्की करने के लिए आपको आईफोन की जरूरत नहीं है, आपको फोन की जरूरत है। इस बिजनेस में तरक्की करने के लिए आपको एप्पल के लैपटॉप की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत है। आपको गुची और अरमानी के बैग की जरूरत नहीं है, आपको एक बैग की जरूरत है। मेरा मतलब समझना, आपके पास है तो आपकी लाइफ स्टाइल है, वेरी गुड। लेकिन इजी टू डुप्लीकेट, हमें वो काम करना है जो इजीली डुप्लीकेट हो, जिससे क्या हो, आप जब, मुझे आज भी याद है, मैंने आज से 10 साल पहले एक मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया था, फॉरएवर का ही, दूसरा नहीं है, फॉरएवर का ही, अपने तरीके से, कि मैं 2 सीसी को कैसे बताऊं, एनडीपी को कैसे बताऊं जिसको एफबीओ बोलते हैं, किस तरीके से 25 सीसी को बताएं, 75 को बताएं। एक बार क्या हुआ, मुझे याद है, मेरे को बेंगलुरु से फोन आया, बेंगलुरु में ट्रेनिंग दे रहे थे कोई, तो उन्होंने बोला, दामी जी, एक ना पर्सन कोई ट्रेनिंग दे रहा था बेंगलुरु में, और वो आपकी तरह ट्रेनिंग दे रहा था और मजा आ गया। मैंने पूछा कौन था, बाद में पता लगा तो वो हमारी डाउन 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 में मेरे ख्याल से 50वीं जनरेशन होगी वो। इससे क्या पता लगता है, जो हमने प्लान डिजाइनिंग करी थी कि आपको ऐसे नहीं, प्लान को ऐसे देना है, वो कहाँ डुप्लीकेट हुआ, केवल उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं, वो प्लान कहाँ तक डुप्लीकेट हो गया, 50वीं जनरेशन तक। क्या मैं 50वीं जनरेशन में गया? नहीं, मैं कहाँ गया, 5 into 3, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। किसने बोला था, कितनी बार बोला था आपको ये भी बताएं, क्यों बोला था, कल सर ने बहुत बार बोला है ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, इस पावर को समझना है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। अब तो रिक्रूटमेंट है लोगों को लाने के, वो तरीके भी अलग अलग हैं। ऑनलाइन पहला तरीका है और ऑफलाइन दूसरा तरीका है। ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, सोशल मीडिया से आप लोगों को निकाल सकते हैं। अब आपको यहां पर करना क्या है, आपको एक काम करना है, ऑनलाइन में, ऑनलाइन पे काम करने के लिए एक सप्ताह में, एक वीक में आपको 2 बार अपने ग्रुप के लिए, नए लोगों के लिए मीटिंग रखनी है। आप क्या करो, पूरे हफ्ते नए लोगों को इनवाइट करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू करो या ऑफलाइन करो, और 2 बार अपने सीनियर के थ्रू, अपने एक्टिव सीनियर के थ्रू उन नए लोगों के लिए एक बेहतरीन मीटिंग करो, या कंपनी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर नए लोगों के लिए बीओपीपी का बहुत अच्छा प्रबंध कंपनी ने किया है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का किया है, आप वहां भी ला सकते हो। याद रखना, किस पर्सन को कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करानी है ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नया पर्सन हो, आपने लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड करा दी, हमें पता होना चाहिए नए पर्सन के लिए ट्रेनिंग कौन सी है, 2 सीसी वाले के लिए कौन सी है। वो एक सिस्टम है, क्योंकि पहले दिन ABCD ही सिखाई जाती है, XYZ नहीं।
तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखो तरक्की करने के लिए बड़ा सिंपल बड़े आसान फॉर्मूले हैं, लेकिन लगाने सीखने। ऑफलाइन मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करिए, वो लिस्ट ऑनलाइन के लोगों की भी होगी और ऑफलाइन के लोगों के लिए भी होगी, क्योंकि हमारे पास पहले से हो सकता है बहुत सारे लोगों की लिस्ट पड़ी हो जिनको हम फॉलो करना हो। आप जरूर लोगों को नोक करो, क्योंकि आज की तारीख में लोग कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहे हैं, बिजनेस ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड वेट कर रही है, आप नोक करो ना। जब हम नोक करेंगे तभी तो लोगों को पता लगेगा। अगर ट्रेन में, एक फ्लाइट में मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे बगल में दो बेहतरीन लोग बैठे हैं, उनको कोई ड्रीम थोड़े ना आया था, कोई सपना थोड़े ना आया था कि भैया ये फॉरएवर करते हैं। आपको नोक करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। राइट, न्यू कॉन्टेक्स्ट पर डे, एवरी डे आपके पास 3 नए कॉन्टेक्ट एसोसिएट होने चाहिए आपकी लिस्ट में, आपकी बुक में। क्यों क्यों होने चाहिए? मैं यहाँ लाख रुपए कमाने आया हूँ, हो सकता है मैं मिलीनियर बनने आया हूँ। हमेशा जब हमारा टारगेट याद रहेगा ना, तो हमें तकलीफें कुछ परेशान नहीं करती। तकलीफ कब आती है? जब टारगेट छोटे हो जाते हैं। टारगेट बड़े होंगे तो बड़े बड़ी तकलीफों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा बोलता हूँ, हजारों लोगों की टीम बनाने का दम वही रखता है जो सैकड़ों लोगों की ना सुनने का दम रखता है। अगर आपके अंदर, याद रखना, सैकड़ों हजारों लोगों की नो सुनने का दम है ना, तो हजारों लोगों की टीम रन करने का दम भी आपके अंदर रहेगा। क्यों? यही लीडरशिप है। और साथ में रिक्रूटमेंट के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, 4x4। ये फॉर्मूला, ये भी जबरदस्त है, मैंने इसको लगा के देखा है और इसने हमें बहुत रिजल्ट दिए हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। 4x4 ये क्या है? 4x4 का मतलब है, एक समय था जब हम मंथली क्लोजिंग करते थे। आप लोग में से बहुत सारे लोग मंथली क्लोजिंग करते हैं, मुझे बात पता है। कुछ लोग वीकली क्लोजिंग करते हैं, कुछ लोग डेली की क्लोजिंग करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पागल होकर के, अगर सक्सेस के लिए पागल हो गए, अगर आपने हर घंटे में क्लोजिंग करना शुरू कर दिया, तो आपको पता है आप कहाँ पहुंच सकते हैं। इस बिजनेस में क्या है, याद रख लेना, एक त्रुटि है, जिस जो पॉजिटिव त्रुटि है, एरर है। वो क्या है, उस पे होता क्या है? यहाँ बॉस कोई नहीं है। जब बॉस कोई नहीं होता तो डांटने वाला भी कोई नहीं होता, और डांटने वाला कोई नहीं होता तो हम लोग वो प्लानिंग, वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर तरक्की करनी है तो आज से खुद को टारगेट देना स्टार्ट कर लो, खुद को पनिश करना स्टार्ट कर दो। क्यों? मुझे इस दिन ये करना ही करना है। जब मैं आया था, मुझे तो कोई ये पूछने वाला भी नहीं था कि भैया 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं, कहाँ हो? एग्जाम्पल किस बारे में? अकॉर्डिंग बिजनेस। क्योंकि होता क्या है कि इस बिजनेस में आपका बॉस कोई नहीं होता, आप किसी को अपना सीनियर बना सकते हैं, एक्टिव सीनियर से आप डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने हिसाब से काम करना है। अपने हिसाब से का मतलब ये है कि मुझे जो काम करना है, वो जो ड्रीम या टारगेट लेने हैं, वो अपने मुताबिक लेने हैं। हो सकता है आपके सीनियर का ड्रीम आपसे छोटा हो सकता है, क्योंकि हर किसी का ड्रीम बड़ा नहीं होता। कुछ लोग यहाँ लाख के लिए आते हैं तो कुछ लोग करोड़ के लिए भी आते हैं, तो इन चीजों पर हमें फोकस करना है। 4x4 फॉर्मूला क्या है? 4x4 का मतलब है, एक हफ्ते में मुझे एक सीसी का बिजनेस और एक डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही करना है, और अपने से कमिटमेंट करना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तरक्की करने आया हूँ, प्रोग्रेस करने आया हूँ, आगे बढ़ने आया हूँ। अगर मैं आगे बढ़ने आया हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं एक हफ्ते में एक सीसी का बिजनेस करूं और एक पर्सन का फॉर्म भरूं। वही काम मुझे सेकेंड वीक करना है, वही काम मुझे थर्ड वीक करना है, और वही काम मुझे फोर्थ वीक करना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब याद रखना, हमें मंथली क्लोजिंग नहीं करनी है, हमें वीकली क्लोजिंग करनी है। ये 4x4 फॉर्मूला, कल भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी जिसमें बोला था 4 CC ओपन बिजनेस, अद्भुत बिजनेस। तो अगर आपको 4 CC को अडॉप्ट करना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप 4 CC का बिजनेस तो कर ही रहे हैं, और ऑटोमेटिक आप 4 टैब भी नए भर रहे हैं, और आपकी टीम में नए नए लोगों का आगमन भी हो रहा है। और अगर 10 लोग इसी फॉर्मूले को अपना लें, तो मंथ में 10 से 40 CC और 40 न्यू एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं।
आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर इसका डुप्लीकेशन हो गया तो आप कहां तक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो लीडरशिप ट्रेनिंग। अब हमें डेवलप कैसे करना है खुद को, लीडरशिप ट्रेनिंग जो लगातार कंपनी कर रही है उस पर हमें फोकस करना है, वहां से पॉइंट निकालने। दूसरा अपग्रेड योर सेल्फ, हमें खुद को अपने टाइम के हिसाब से अपग्रेड करना है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, आपने चार्ल्स डार्विन का एक एग्जाम्पल सुना होगा, थ्योरी जो सिद्धांत उनका था, क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो जबरदस्त एक थ्योरी थी उनकी। क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला था कि पृथ्वी पर वही जीव बसते हैं जो परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। हमें टाइम के हिसाब से खुद को चेंज करना है। इसका मतलब ये है, वाटर होता है ना, पानी होता है, पानी क्या होता है, अगर आपने वाटर को देखा हो तो जैसे बर्तन में जाता है ना उसका आकार वैसा हो जाता है। हमें टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। आज हमें ऑनलाइन, ऑनलाइन हम पहले पूछते ही नहीं थे, पहले क्या था 20% ऑनलाइन 80% ऑफलाइन, अब क्या है 80% ऑनलाइन नहीं, अब तो मैं कहूंगा 100% लगभग अभी ऑनलाइन है। सीखा तो सब हुआ, और हमने समय के हिसाब से अपने को क्या किया, अपग्रेड किया। अपग्रेड योर सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग के हिसाब से, और साथ में कोर लीडर्स प्रोग्राम जो आपकी टीम है, याद रखना हर टीम में एक कोर टीम होती है। जो कोर टीम होती है आप उसको अलग से ट्रेन करिए। क्यों, कोर टीम का मतलब होता है जो केवल उड़ना चाहते हैं, जो केवल जिनका केवल लक्ष्य होता है कि भैया हमें आगे बढ़ना है, वो अलग दिखते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग करिए, उनका प्रोग्राम अलग करिए, चाहे अपने सीनियर को इनवाइट करिए, और वो कोर पॉइंट ही वहां पर डिस्कशन होने चाहिए, डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेवलपमेंट के बाद बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, Your business partners will not follow your instruction, but will always follow your action. जो बात हुई थी, टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो, इस पर कल भी बात हुई थी, बहुत सारे लीडर्स ने ये बात बोली है। मैं यही बोलना चाहूंगा जो मेरा अपना अनुभव है, Your business partners, आपके business partners वो कभी नहीं करेंगे जो आप instruction दोगे, ये करो ना, वो करेंगे जो आप एक्शन में, जो आपको वो देखेंगे। अगर आपको मेरी इस ट्रेनिंग का एक निचोड़ निकालना है तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप जो चाहते हो ना अपनी टीम से, आप वो करना स्टार्ट करो, मत बोलो। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, टीम को बोलने नहीं देते हैं, एग्जांपल आगे वाले को बोलने नहीं देते, एक फॉर्मूला लगाओ, यहां भी 20-80 लगाओ, 80% बोलो और 80% सुनो, 20% बोलो, देखो कैसे रिजल्ट आता है। हमें आगे वाले को भी सुनना है, और जवाब हमेशा काम से दो, एक्टिविटी से दो, एक्शन से दो। यहाँ पर दो फोटो बने हैं, आपने देखा होगा, एक बना है यहाँ पर, एक वर्क, एक है लीडर एटीट्यूड और एक है बॉस एटीट्यूड। लीडर एटीट्यूड क्या होता है, वो सबसे आगे चलता है और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है, और जब कोई भी सक्सेस हासिल करता है तो उसका जो फायदा है, क्रेडिट है, वो पूरी टीम को मिलता है। लेकिन अगर बॉस एटीट्यूड होगा तो क्या होगा, हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो होगा क्या, हो सकता है आप उसका क्रेडिट खुद लें, लेकिन ये बिजनेस एक अद्भुत बिजनेस है, एक वंडरफुल बिजनेस है। हमें क्या है, हमें लीडर बन के काम करना है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल है क्रिकेट का, कुछ लोग बोलेंगे क्रिकेट का एग्जाम्पल पलट के दे ही देता है, और फुटबॉल, जो क्रिकेट है, क्रिकेट का जो एम्पायर होता है, आपने उसका एक्शन देखा है क्या होता है, वो एक जगह खड़े रहता है, वो केवल इशारे करता है। लेकिन आपको एक और जबरदस्त एग्जाम्पल बताऊं, फुटबॉल, फुटबॉल में क्या होता है, जो रेफरी होता है ना, वो एक एक प्लेयर के साथ दौड़ रहा होता है, एक एक को देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है, कहां ये गलती कर रहा है, कहां ये बेहतर कर रहा है, कहां क्या कर रहा है। याद रखना, हमें क्रिकेट का एम्पायर नहीं बनना, हमें फुटबॉल का रेफरी बनना है, इस बिजनेस की मांग है।
क्योंकि डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है, क्योंकि यही समझाना है। और कितने लोगों को समझाना है, 5 × 3 और इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। और नीचे एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा है, बी फॉर बट नेवर ओवर बियरिंग। स्टिक बनो, दृढ़ बनो कि अगर 10 बजे से ट्रेनिंग है तो 10 बजे टाइम के बनो, पंचुअल बनो, लेकिन ओवर बियरिंग क्या होता है, जिसको बोलते हैं अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं, रौबदार नहीं बनना है। मतलब हुकूमत नहीं जमानी है। क्यों? वी ऑल आर अ बिजनेस पार्टनर। हमारे ग्रुप में कभी कभी हमारे से बेहतर लोग होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे से बेहतर लोग होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे ले जाने में जरूर मदद करेंगी। और एक चीज और, रेक सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास रखें और विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग एक साइड और रेक सर की बातें एक साइड, केवल आपने इनके विजन को भी फॉलो कर लिया ना, आप 100% इस बिजनेस में अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मैं आप सभी को आज की इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जितनी भी मैंने प्रेजेंटेशन दी है डुप्लीकेशन पर, आप इसका फॉलो कर सकते हैं और जो बेनिफिट मैंने लिया आप भी उस बेनिफिट को उठा सकते हैं। और आप सभी को आपकी तरक्की के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।